राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और सुविख्यात समाज सेवक नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। नानाजी देशमुख का नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में एक छोटे से गांव कंदौली में हुआ था। नानाजी के जीवन का अधिकतर समय संघर्षों में ही व्यतीत हुआ था। अपनी अल्प आयु में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनके मामा ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। नानाजी का बचपन काफी हद तक अभावों में बीता था। अपने स्कूल की शिक्षा के दौरान भी उनके पास किताबें आदि खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की अटूट अभिलाषा विद्यमान थी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहते थे। वे मंदिरों में भी रहे और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सब्जी बेचकर पैसे कमाए। बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी से नानाजी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बाद के दिनों में 30 के दशक में वे आरएसएस में शामिल हो गए। यद्यपि नानाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही रहा। उनकी श्रद्धा देखकर आरएसएस के संघ संचालक गुरुजी ने उन्हें प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेज दिया, जहां वे उत्तर प्रदेश के प्रचारक नियुक्त किए गए। नानाजी लोकमान्य तिलक के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें संघ से जोड़ा था। 1940 में महाराष्ट्र के सैकड़ों युवक प्रचारक बने, इनमें नानाजी भी थे। उनकी तीव्र बुद्धि और विलक्षण संगठन कौशल ने 1950 से 1977 तक भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने विभिन्न विचार और स्वभाव वाले नेताओं को एक साथ लाकर कांग्रेस का सदा सत्ता में बने रहने का जोरदार विरोध किया था। संघ के प्रचारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश में पहले आगरा और फिर गोरखपुर भेजा गया। उन दिनों संघ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नानाजी एक धर्मशाला में रहते थे, वहाँ हर तीसरे दिन कमरा बदलना पड़ता था। अंततः एक नेता ने उन्हें इस शर्त पर स्थायी कमरा दिलवाया कि वो उसका खाना बना दिया करेंगे। नानाजी के परिश्रम से 3 साल में गोरखपुर के आसपास 250 के लगभग शाखाएं खुल गईं। विद्यालयों की पढ़ाई और संस्कारहीन वातावरण देखकर उन्होंने गोरखपुर में 1950 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया। आज तो ऐसे विद्यालयों की संख्या देश में 50,000 से भी अधिक है। 1947 में रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई, तो इसके प्रबंधक नानाजी ही बनाए गए। वहाँ से मासिक राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश अखबार निकाले गए। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लग गया था, इससे प्रकाशन संकट में पड़ गया। ऐसे में नानाजी ने छद्म नामों से कई पत्र निकाले। 1952 में जनसंघ की स्थापना होने पर उत्तर प्रदेश में उसका कार्य नानाजी को सौंपा गया। 1957 तक प्रदेश के सभी जिलों में जनसंघ का काम पहुंच गया। विनोबा भावे के भूदान यज्ञ और 1974 में इंदिरा गांधी के शासन के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में नानाजी खूब सक्रिय रहे। आपातकाल के विरुद्ध बनी लोक संघर्ष समिति के वो मंत्री थे। उस समय हुए देशव्यापी सत्याग्रह में 1,00,000 से भी अधिक लोगों ने गिरफ्तारियां दी। यद्यपि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, नानाजी ने सत्ता के बजाय संगठन को महत्व देते हुए अपने बदले ब्रजलाल वर्मा को मंत्री बनवाया। इस पर उन्हें जनता पार्टी का महामंत्री बनाया गया। उस समय नानाजी सत्ता या दल में बड़े से बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़कर दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से पहले गोंडा और फिर चित्रकूट में ग्राम विकास का कार्य प्रारंभ किया। नानाजी देशमुख ने 60 साल की उम्र पूरी होते ही राजनीति छोड़ दी। नानाजी ने अपने जीवन काल में दीनदयाल शोध संस्थान, ग्रामोदय विश्वविद्यालय और बाल जगत जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना की। अपने राज्यसभा के सांसद काल में मिली सांसद निधि का उपयोग उन्होंने इन प्रकल्पों के लिए ही किया। कर्मयोगी नानाजी ने 27 फरवरी 2010 को अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में अंतिम सांस ली। उन्होंने देहदान का संकल्प पत्र बहुत पहले ही भर दिया था, अतः देहांत के बाद उनका शरीर आयुर्विज्ञान संस्थान को दान दे दिया गया।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।